लगता है कि जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद आज पहली बार ऐसा मौका आया है कि नरसिंहपुर के किसान आंदोलित होकर नेशनल हाईवे जाम करते, वो भी 10-15-20 मिनट नहीं, 7 घंटे नेशनल हाईवे जाम होता है, रेल की पटरियों पर बैठ जाते हैं, जिला मुख्यालय की सड़कें जाम हो जाती, किसान अपना खून निकाल के कलेक्ट्रेट पे डालता, ये क्या है? मतलब क्या माने कि कैसे हम कहें कि मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं और हम कैसे माने कि सरकार की नीति से संतुष्ट है आमजन और किसान? देखिए मदन जी, आप भी जिले में निवास कर रहे हैं और आप भी समाज की सारी गतिविधियों को देख रहे हैं। ये किसान भक्त हनुमान 4 वर्ष तक कहाँ थे भाई? अभी 4 वर्ष तक, जब तक ये चुनाव का वर्ष शुरू नहीं हुआ था तब तक कहाँ थे? कितने आंदोलन हुए? अभी आपने देखा होगा कि जे ड्यूरेशन है 3-4 माह का, तो इसी में सारी चिंताएं अभी शुरू हुई हैं। तो ये चिंताएं बेसिक नहीं हैं, इसके अदर इशूज भी, अदर फैक्टर भी हैं, इस कारण से ये खड़े हो रहे हैं। और इनकी भी यदि आप ठीक से यदि आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें किसान कितने हैं। आपको याद होगा जब नरसिंहपुर स्टेशन पे एक बार जाम हुआ, हमारे यहाँ रेल पे कोई नहीं बैठा, नरसिंहपुर अपने स्टेशन के पास आपके NH पे लोग जाम करने पहुँच गए, लेकिन किसान का इतना सम्मान है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से हमें फ़ोन किया किसानों ने कि साहब ये कुछ लोग हैं जो किसान हैं ही नहीं हैं, ये गुड़ की बिक्री पे रोक लगा रहे हैं और हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं हमें हमारा गुड़ बिक जाए ताकि हमें लेके नहीं जाना पड़े, इन लोगों को रोको जो किसान नहीं है, ये हंगामा कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल इलविल है। नहीं नहीं, ये ऐसे लोगों ने, हम 50 वर्षों की बहस करने तैयार है। देखो वहाँ मीडिया मौजूद था, मीडिया की रिकॉर्डिंग है। नो, जो कुछ लोग हो सकते हैं, मैं मानता हूँ ना, जो आम आदमी पार्टी के लिस्टेड नाम है आपके, वो तो 2-4-5 लोग हैं, लेकिन उसके बाद 200 लोग जो थे वो कहाँ से आए? वो तो किसान थे। नहीं, ये अच्छी बात है कि अपनी बात के लिए बोस्टिंग करना चाहिए, लेकिन बोस्टिंग की भी एक प्रोसेस है डेमोक्रेसी में, विरोध की भी एक मर्यादा है। अभी फांसी नहीं लग रही, अपने जो बेसिक इशूज हैं इस पे कैसे हमको मूव करना चाहिए, ये भी आप लोगों को और हमको मिलके सिखाना पड़ेगा, नहीं डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। नहीं नहीं, विरोध की अपनी मर्यादा है, बिल्कुल सही है। ये हथियार हमें दिए हैं, इनको कैसे प्रयोग करना, ये तमीज यदि हमें, आपने कहा सर हमें कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं है, मामला कायम हो गया तो अराजकता की स्थिति आएगी। नहीं, मामला कायम हो गए, मामला कायम हुआ किसान, ये कहना है कि कौन सा इशू है जिस पे प्रशासन ने शासन ने नोटिस में नहीं लिया, उस पे कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रदेश का कैन कमिश्नर जरा से माने, आपको मालूम है संख्या कितनी थी, इतने लोगों ने पोस्टिंग की, तो इस इशू पे बराबर वहाँ से कैन कमिश्नर आया, सारे लोगों को उठा के बिठाया गया सबको। अब आप जानते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार बनाती है, ये बाइंडिंग है प्रशासन की कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोगों को मिले, इससे नीचे ना जाए। आपको मालूम है हम भी बैठे बार बार और कंपेल करके, अभी उनने भी अपनी कठिनाई बताई कि साहब मोलासिस पहले जो हमारा 20 रुपये लीटर बिकता था वो आज 1.5 रुपये लीटर बिक रहा है, अभी शुगर के दाम पहले 45 थे आज घट करके 33 पे आ गए हैं, और इसके अलावा उनकी निजी जो कठिनाइयाँ वो उन लोगों ने रखी, बहुत वजन रख के हम लोगों ने 300 कराया था, अभी पता लगा कि अभी एक मिल ने 309 किया है। नहीं, लेकिन वो तो एक अफवाह है। हाँ, वो तो एक अफवाह है, जो 309 की कहीं ना कहीं बात चल रही, मुझे लगता है कि 309 नहीं है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन, इस पे एक नीति बनना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए ऊपर प्रोसेस होना चाहिए। तो ये कौन करे? नहीं, ताकि नहीं, सरकार आपके पंच से लेके प्रधानमंत्री तक आपका है, उपवास से लेके कलेक्टर तक आपका, कौन करेगा? मदन भाई, हम ही हैं पूरे हिंदुस्तान में जो बिना ब्याज के पैसा दे रहे हैं 3 लाख रुपया एक एक किसान के लिए, से ज्यादा नहीं लगता किसानी के काम में। लेकिन आपसे हम पूछना चाहते हैं और आपके माध्यम से एक एक किसान से पूछना चाहते हैं कि हमारी कमर में ऐसा टेका कभी लगा है किसी ने 40 साल?
लेकिन कर्जदार तो ब्याज के, बिना ब्याज के, लेकिन आज की जो मिल रहा है ये कुछ भी आदमियों को मिल रहा है, उसको फसल के उचित दाम नहीं मिल रहा है, समय पे दाम नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं यदि हमें योजनाओं को लेकर चले स्वतंत्र, तो आपकी जवाबदारी है, नैतिक जवाबदारी है। स्वतंत्रता के बाद फसल बीमा नहीं आई, तो सरकार ने तो चुना ही पहली बार फसल बीमा आई है, अब हमारी शाश्वती हो गई, ओला गिरे दिल्ली आ जाए तुसार हो जाए कोई चढ़ जाए तो भाजपा को जो समर्थन जनता ने दिया है ये फसल बीमा हमने अप्लाई किया तो ये तो नैतिक दायित्व है सरकार का, नहीं ये उपलब्धि थोड़ी कर रही, नैतिक दायित्व नहीं है। आज जो बिजली की आपूर्ति हो रही जिससे ये उपज आ रही है, सरकार क्यों बनाई, ये उपज ये उपज अकेले पर्सनल एफर्ट से नहीं आ रही, ये हमारे बिजली की पूर्ति से आ रही है, जो रिकॉर्ड है स्वतंत्रता के बाद का कांग्रेस रिजीम का उसकी तुलना करिए और हमारी रिजीम। लेकिन बिजली के बिल भी तो करंट दे रहे हैं, बिजली के बिल करंट देने लगे, हालात तो और खराब हो गए। आपने ठीक बात कही, बिना बिजली की क्या दशा रही है, आज बिजली के बिल करंट मान रहे हैं जो कंडीशन है। एक एक ट्रांसफार्मर के लिए हमें कितना लगता था, या आपको मालूम कितने दिन में ट्रांसफार्मर मिलता था, मिलेगा भी के नहीं, होगा कुछ जगह विसंगतियां हैं, हम मानते हैं कि बिल में विसंगतियां हैं, एक मुफ्त पॉलिसी किसान को बनाने के बाद फ्लैट रेट एक एक बिल में सरकार अरबों करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, अरबों रुपया अपने खजाने से निकाल करके किसान के हाथ में बिजली बोर्ड को दे रहा है, यही तो कर रहा है। यहां से देखे सामान्य वर्ग के लोग से वसूली हो रही है, सामान्य वर्ग त्राहिमाम त्राहिम मचा, आदमी का 1 लाख का बिल आ रहा है, 23,000 का बिल आ रहा है, 50,000 का, ये क्या है? देखिए हमें जूझना पड़ेगा, कई किस्म के कोई एक दिन में ये भर्ती नहीं हुई है, जो संस्कृति है काम की एक दिन में नहीं बनती है। एक और आपको बताना चाहता हूं, लेकिन हम नहीं लड़ना चाहते विद्युत मंडल की जो कंपनी की बात है, आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आपको इसके लिए देखो जुडिशियल फोरम है, यस यस आप जाइए, सजा होगी उनकी, नहीं नहीं लेकिन आपके जो कर्मचारी लगाए हुए, आपके जो ठेकेदार हैं, वो जो कर्मचारी लगाए हुए, कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए हुए, नियम अनुसार कलेक्टर की सैलरी पे उनका पे होना चाहिए, लेकिन 4,500 3,500 के कर्मचारी लगे हुए हैं आपके विद्युत मंडलों की कंपनियों के सेंटरों पर। आप ये बताइए जो आदि 3,500 रुपये जिसको मिलना है, 4,000 4,500 मिलना, वो कितने तरमनता से काम करेगा, वो बिल वही तो गड़बड़ हो रहे कि बिलिंग की जो स्थिति बन के सामने आ रही है, बहुत कम किसानी के बिल की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इंडिविजुअल की। हम इस बात से सहमत हैं कि जो नियम से पैसा देना चाहता है ऐसे उपभोक्ताओं को, ऐसे उपभोक्ताओं को, और इसके लिए अभी हमने 2-3 बार अफर्ट हम सामूहिक रूप से उनके शिविर लगा करके कर चुके हैं। अभी आपने और बताया, हम आपसे आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि फोरम में भी जाना चाहिए, हमारे साथ एक पैसे का भी कोई अन्याय हो तो इसके लिए लीगल प्रोसेस बनी हुई है, लेकिन लीगल हम सरकार भी जिम्मेदार है, लेकिन जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, संगठन जिम्मेदार है, हमने आपको चुना है, विश्वास किया आपको, हर एक को कटघरे में खड़े करने के लिए विधान बनाया है, आपको इस प्रोसेस को भी अप्लाई करना चाहिए। आपके माध्यम से जो जानकारी मिली है अभी, इस पर और हम सिंसियरली चर्चा करके कि जो बिजली की जो कठिनाइयाँ, जो निजी आदमियों की कठिनाइयाँ हैं, जो लीगली भुगतान करता है उसकी कठिनाइयाँ, उसको दूर करना चाहिए। अभी ये बिल की प्रोसेस भी हम समझ रहे हैं, कुछ बिल जो है वो हमारे गैरकानूनी ढंग से अपलोड किए जा रहे हैं ये किए जा रहे हैं, उस पर भी अभी हम बात कर रहे हैं, कुछ अधिकारियों से बात भी हुई है और निकट भविष्य में इसके परिणाम भी आए। उसमें तो स्पष्ट ये नीति आ रही है कि कैसे वो भी कहीं यदि हम दे रहे हैं तो कहीं से उसको वसूल करें, और वसूली में वास्तव में जो उपभोक्ता जो मतलब सामान्य रूप से स्वेच्छा से देना चाह रहा है खुशी खुशी, उसके साथ अन्याय हो रहा है, ये जिम्मेदारों आपकी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, लेकिन ये इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तवज्जो नहीं दिया जा रहा, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत इसमें मैसेज जा रहा है समाज के बीच में। बताया इसको हम और नोटिस मिलेंगे, अभी नोटिस में लिया है कि निश्चित रूप से जो इंडिविजुअल उपभोक्ता है उसको कठिनाई है, उसको और कैसे दूर किया जा सकता है। यदि हम संगठन को लेकर बात करें,
भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर यदि हम बात करते हैं, संगठन की कार्यप्रणाली से आप कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि मीडिया भी जहां तहां घूम के संगठन से भी मिल रहा है, क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाके हम पार्टी की दशा वर्तमान में, क्योंकि जो जनता का रुझान पार्टी के प्रति है वो कितना बरकरार है, इसके लिए भी सर्वे हमारा चल रहा है। तो क्या मानते हैं आप, कितना संतुष्ट हैं आप इस संगठन की कार्यप्रणाली, आपके नीचे जो स्ट्रक्चर है बीजेपी का उससे कितने संतुष्ट हैं? अभी संगठन के लिहाज से यदि अपन कहें तो इतना समाज के सभी वर्गों को स्पर्श करने वाला ऑर्गेनाइजेशन हमारा पूरा बन चुका है। बेसिक स्ट्रक्चर कोई वर्ग समाज का, कोई वर्ग हमने कोशिश की है कि अछूता ना रहे, हर वर्ग में हमारे पास प्रतिनिधि हो। इसके लिए हमारे मोर्चा है, 7 मोर्चे हैं, इसके लिए हमारे प्रकोष्ठ हैं, हमारे प्रकोष्ठों के भी सारे निर्माण हो गए हैं, हमारे मोर्चों के भी सारे ब्लॉक लेवल तक के सारे गठन कंप्लीट हो गए। कंप्लीट नहीं हो गए तो इनकी एक्सरसाइज भी, अभी पिछले दिन हमारे पिछड़ा वर्ग की बैठक थी, इसके पहले हमारी माझी प्रकोष्ठ की बैठक थी, इसके पहले हमारी अन्य अन्य जो हमारे प्रकोष्ठ हैं वो मोर्चे हैं, सबकी बैठ के एक बार तो हो चुकी मोर्चों की, प्रकोष्ठों की कुछ रह गई तो वो चल रही नीचे तक, जो और परिवर्तन होना चाहिए जो नहीं कर पा रहे हैं काम, उन सब में परिवर्तन करके सन्नद्ध है हमारा संगठन, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमें हमारे जिले में संतुलन समझ में नहीं आ रहा, संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो है संतुलन समझ में नहीं आ रहा, जो विकास को दिशा देगा। आप जो कह रहे हैं कि अपेक्षाएं, देखो एक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, एक ने कहा कि पहले के लोगों से अपेक्षा ही समाप्त हो गई थी, हमसे अपेक्षा है। ये बड़ी बात, हमसे अपेक्षा विश्वास तो इसके जनता ने मत दिया, इसके मायने के अभी हमें प्राण बाकी है। अपेक्षाएं उनसे होती जो पूरा कर सकते हैं, इस कारण से अपेक्षाओं में से कुछ असंतुलन प्रतीत होता है, दिखाई देता है, लेकिन इसको हम भी डाउट कर लेंगे, जो भी हमें जितनी हमारी चीज हमारे नोटिस में आती है उसको हम बराबर ठीक करते हैं। लेकिन जहां तक यदि हम बात करें तो जो आपकी पार्टी, क्योंकि आने वाला बहुत नजदीक चुनाव आके खड़ा हुआ है सामने, तो इसमें क्या तैयारियां आपकी हैं? जनप्रतिनिधियों का जो हालात है, सरकार जब से बनी है जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली संगठन से बड़ी दूर हो गई, संगठन से उनकी दूरी अलग समझ में आती है, उनकी उनके नैतिक दायित्व तो वो अलग अपने बना के चल रहे हैं, उनकी दिशा अलग है, आपकी दिशा अलग है, आपके नीचे की जो संगठन बाड़ी उसकी दिशा अलग है, तो दिशा भिन्नता के चलते आज मैं बताऊं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं आपसे कि आज इसके कारण ये हालात बन के खड़े हुए हैं कि आपका A to Z चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे किसान हो, चाहे अन्य जो आम वर्ग के लोग हैं वो भी सड़कों पर उतर आए हैं, आंदोलन दिनों दिन आंदोलन होते चले जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आंदोलन की बौड़ आ चुकी हो। हाँ, ये हालात आप सही कह रहे हैं कि पीले बादल दिखने लगे हैं और लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बना के रखी हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है तो कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए उनको शटर खोलना पड़ता है, और फिर इसमें चुनाव की साल आ गई तो जी तो बाढ़ आएगी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, ये इनकी अनिवार्यता है, ये इनकी नियति है, नहीं करेंगे तो संगठन कौन हमारे कैसे चलेगा लोगों का, मतलब बीजेपी होगा कॉन्फिडेंस में इसलिए कर रहे हैं। देखो प्रभावी संगठन हम लोगों ने भी किए, किसान आंदोलन तो 10,000 आदमी, किसान आंदोलन तो 200 ट्रैक्टर, तो किसान जब आंदोलित होता दिखाई देता है। अब है लोगों ने इश्यूज उठाए, हम उनको धन्यवाद करते हैं, हम चूंकि विरोध में बहुत रहे हैं तो जिन लोगों ने भी जो इशू उठाए हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद कि कम से कम पोस्टिंग तो की है, नहीं तो विरोध की लगता है कि प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी, क्या होगा विरोध पे। हमें लगता है बहुत से इशूज ऐसे थे कि जिन पे आना थी बात। देखो डेमोक्रेसी अकेले एक पक्ष से जिंदा नहीं रह सकती, ये कम्युनिस्टों की सरकार नहीं है, ये चीन और रूस नहीं है कि यहाँ केवल एक दल हुआ करता है, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी का प्राण है विरोध, जितना सक्षम और जितना कारगर और जितना पॉजिटिव विरोध होगा उतना देश बहुत तेजी से आगे जाएगा, बिना विरोध के भी लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता, और विरोध का भी रोल हमने प्ले किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका भी कल जन्मदिन था, उनके माध्यम से हमने विरोध का रोल भी प्ले किया है,
कि अच्छे को अच्छा कहके भी हम अपने राजनीतिक हितों को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जो सामने देखने मिल रहा है, यदि हम बात करें तो आज खुद पार्टी के लोग ही विरोध में खड़े हुए। एनटीपीसी की बात करें, जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है, लेकिन उस सौगात में ही आपके ही संगठन के लोग, आपके सत्ता के लोग, आपके जनप्रतिनिधि अपने ही सरकार के तंत्र पर आए दिन आप देखते हैं मीडिया के माध्यम से पब्लिक होता है कि आपके ही संगठन के लोग, आपके ही जनप्रतिनिधि आपके ही सरकारी तंत्र को उखाड़ देते हैं, उसको कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। कुछ हमारे सामने आए थे, वो बुला के जो भी लोग हमारे आगे वहाँ आंदोलन में सहभागी थे उनसे बुला के बातचीत की है, और कुछ इशूज थे जिनका कमिटमेंट कुछ माने पूर्व के अधिकारियों ने किया था। तो अभी इस संदर्भ में हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सारे क्षेत्रीय किसानों के साथ हम खड़े हैं, अभी हम संपर्क में हैं सांसद जी के, अभी हम संपर्क में हैं भारत सरकार के मंत्री जी से भी बात हुई है, वो कल और हो रही है कि जो इशूज हैं, जो पॉजिटिव इशूज हैं जिनको हल होना चाहिए, किसानों की जो कठिनाइयाँ हैं उनके साथ हम खड़े हैं, और आंदोलन के जो एक्चुअल दर्द हैं वो हमने समझ लिए हैं, और एक दो दिन में उनके संबंध से भी सलूशन निकलेगा। और आपके माध्यम से हम किसान से कहना चाहते हैं कि चिंता न करें, ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, न केवल हमारे जिले के लिए बल्कि इस हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि अगला चैलेंज जो है सबसे बड़ा चैलेंज इस समाज जीवन को उठाने के लिए वो है ऊर्जा। ऊर्जा यदि नहीं मिलेगी तो ना पानी मिलेगा, ना हमारे कल कारखाने चलेंगे, ना हम अपनी तरक्की कर सकते, ना हम अपने घर की दैनंदिन जरूरतों को पूरा कर सकते। इसलिए इस प्रोजेक्ट में आपको बताते हैं कि जापान की राष्ट्रभक्ति से सीखना चाहिए। जापान में उन लोगों को असंतोष था, तो उन लोगों ने कहा प्रोडक्शन पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम केवल दाहिने हाथ का जूता बनाएं, दाहिने पैर का जूता बनाएंगे, प्रोडक्शन होता रहेगा, हमारे कार्य क्षमता का ह्रास नहीं होगा और राष्ट्र भी आगे चलता रहेगा। एक पैर का जूता बनाएंगे जिससे प्रोडक्शन तो होगा लेकिन जो फैक्ट्री मालिक है वो विक्रय नहीं कर सकेगा, तो बहुत जल्दी हमारी बात पूरी होगी। इस ढंग से हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। वहाँ के हालात ये बन चुके हैं कि जो आंदोलन को स्थापित करने वाले लोग हैं, कुछ लोग आपके संगठन के, संगठन जो है आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। आज कंडीशन जो जनता ग्रामीण, मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुनिए, वहाँ की हम लोग पटखचार आपको सुनाना चाहते हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो घर से निकल गए, परिवार के परिवार बाहर बैठे हुए हैं और उनको निकालने वाला और कोई नहीं, आपकी सत्ता के लोग ही हैं। आज कंडीशन ये हो गई है कि उनने उसको सत्ता का, जब जैसे ही उनके ऊपर डंडा चलता है वो दूर हो जाते हैं, वो आंदोलन बेलगाम हो गया। अब वहां पर जो जनता है वो भड़की हुई है, उनको कैसे संभाला जाएगा? आपके कोई जनप्रतिनिधि वहां जा नहीं रहे, जनप्रतिनिधियों को वहां से कोई लेना देना नहीं, कंडीशन ये कि स्थिति कैसे वहां संभाल पाएंगे? तिवारी जी, अधिकारी बंद है, घर से नहीं निकल पा रहा। हमने आपसे कहा ना कि हमने वहां के मर्म को समझ लिया है, वो बरसों से हम लोग यही करते आए हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं जो आपके बाजी भी सूझ हैं, जो भी आपके बाजी भी सूझ हैं प्रायोरिटीज के, उस क्षेत्र के जिनकी जमीनें गई हैं उनको प्राथमिकता देने की, उन्हें आराम देने की, ये सारी चीज़ें सार्ट आउट हो गई हैं। और अभी ऊपर मैंने कहा कि बात हो गई है, हमारे जो लोकल की जनप्रतिनिधि जिन कारणों से शामिल थे उन बातों को भी हमने समझ लिया है, बहुत जल्दी इनके सॉल्यूशन निकलेंगे। ऐसा नहीं है, एंडलेस नहीं है, एंड स्टॉप नहीं है डेमोक्रेसी में। आपको वोटिंग करने का राइट है, हमारे अपने लोग हैं, उनके दर्द को भी हम लोग बखूबी जानते हैं और बहुत अच्छे शीघ्र परिणाम आएंगे, सुखद परिणाम आएंगे। नहीं तो हम ये माने कि कोई आश्वासन है, विश्वास अभी बात हुई है, क्योंकि मुझे अभी बात हुई है हमारे में परिवार के, आपके यहाँ आने के पहले सांसद जी से मेरी बात हुई। क्या सांसद जी की जिम्मेदारी नहीं होती? बीच में जाना था, ऊर्जा मंत्री जी से बात कर रहे हैं और सॉल्यूशन ला करके, कुछ इश्यूज हैं जिन पे हल होना चाहिए तो वो बात करके, और फिर यहाँ पे कुछ क्षेत्र में विकास के काम है वो इश्यूज हैं कि हमारे यहाँ जमीन हमारी गई है, काम कहीं और हो रहे हैं,
तो इसकी प्राथमिकता भी होना चाहिए कि हमारे यहाँ काम हो। वहाँ क्षेत्र में भी बहुत काम हुए, सूखा कैरी में है, सिंहपुर में है, अन्य अन्य क्षेत्रों में काम तो हुए। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ अधिकारी बंधे थे, दृष्टि बंधक होना एक अलग बात है और कैंपस के अंदर बंधे होना एक अलग बात है। सेंट्रल का अधिकारी, सेंट्रल के जो ठेकेदार लोग हैं वो बंधे बाहर नहीं निकल पा रहे। आप जब सोचिए हालात वहाँ पर बने हुए हैं। आप जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, हम वो भी लोग हमारे हैं और जो कर्मचारी है सत्ता का कोई नहीं पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता संघ का जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच रहे। आपको मालूम नहीं, आपके बड़े आपको मालूम नहीं कि अभी हमने पहली एक सिटिंग अधिकारियों के साथ वहां के स्थानीय नेताओं की दो बार करा दी है, एक बार कलेक्टर साहब के भी साथ में हमारे प्रतिनिधि और NTPC के प्रतिनिधियों की भेंट हो गई है। हमने कहा ना कि सारी बात सॉर्ट आउट हो गई है और शायद एक दो दिन में सारी बातें साफ हो जाएंगी, इस निर्णय धरातल पे आ जाएंगे। चलिए आज हमारे बीच से बड़े विश्वास के साथ उन्होंने बोला कि जो तात्कालिक इशू के लिए हम बात करते हैं, बहुत सारे इशूज थे लेकिन जो तात्कालिक इशू था वो था NTPC नरसिंहपुर जिले की बहुत बड़ी सौगात है। उस सौगात पर जो जनता उग्र होकर सड़कों पर बैठी हुई है, परिवारों के साथ बैठी हुई है, उस बात को लेकर आज हमारे बीच अभी बात हुई तो जिलाध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पर विश्वास दिलाया कि उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके वहाँ के ग्रामीणों से, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से भी उन्होंने निवेदन किया है चैनल के माध्यम से, कहीं ना कहीं वो शांति व्यवस्था बनाए रखे जिससे कि उसको हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके जो जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद वो कर सके। आज वो हमारे स्टूडियो पे आए, तीखी बात में तीखी तीखी बात हुई, उन्होंने भी हमें वो बताया जो आवश्यक था और हमने भी जनता का जो मर्म है उनके सामने रखा और आज वो आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे की भी अपेक्षा रखेंगे जनता की जो बात है जनता के पास आप जब बताएंगे, बल्कि आप समय समय पर हमें जनता के इशू से अवगत कराते रहे तो हम अपने रेडियस में रह करके अपनी सीमाओं में कितना कर सकते हैं हम हमेशा तत्पर हैं।